तो दोस्तों ये है भगवान भोलेनाथ जी यहाँ बैठे हैं। तो जो ये है नदी की बैक साइड है, इधर से है शिवलिंग जो स्वयं भू है, पीठ है। तो ये ऐसे धसे हुए हैं। देहो शंकर महादेव दर्शन देहो महादेव घर घर महादेव। तो दोस्तों शिव चालीसा के दूसरे श्लोक के साथ शुरू करते हैं आज का सफर। जय गिरजापति दीन दयाला सदा कृत संतन प्रतिपाला बाल चंद्रमा सोहत निके कानन कुंडल नाग फनिके। तो इस श्लोक के साथ शुरू करते हैं आज का सफर। अभी हम पहुंच चुके हैं कुनिहार में जो डिस्ट्रिक्ट सोलन में पड़ता है। तो दोस्तों यहां पे करवाएंगे आपको दर्शन शिव तांडव गुफा के, वो जहां पे साक्षात भोलेनाथ खुद विराजमान है। तो ऐसे आपको दर्शन करवाएंगे भोलेनाथ के। चलो चलते हैं। दर्शन देहो शंकर महादेव दर्शन देहो शंकर महादेव दर्शन देहो शंकर महादेव दर्शन देहो। चलते हैं शिव तांडव गुफा, हर हर महादेव घर घर महादेव। तो दोस्तों फाइनली पहुंच चुके हैं शिव तांडव गुफा कुनिहार। तो कुछ ऐसा है मंदिर का बाहर का सारा रास्ता। दोस्तों ये है गुफा का रास्ता। तो ऊपर ऐसा पहाड़ है और ये सामने है गुफा बाबा भोलेनाथ की, जहाँ पे बाबा भोलेनाथ खुद विराजमान है। दर्शन देहो शंकर महादेव दर्शन देहो शंकर महादेव दर्शन देहो शंकर महादेव दर्शन कुछ ऐसी गुफा है जहाँ पे बाबा भोलेनाथ खुद विराजमान है। अभी आपको दर्शन करवाते हैं बाबा भोलेनाथ के, हर हर महादेव हर हर महादेव। तो दोस्तों ये है शिव तांडव गुफा। तो दोस्तों ये है भगवान भोलेनाथ जी यहाँ बैठे हैं। तो जो ये है नंदी की बैक साइड है, नंदी जी के ऊपर भगवान भोलेनाथ बैठे हैं। तो इधर वाघम्बर ऐसे चढ़ाया हुआ है तो इसको उठा नहीं सकते। इधर माता पार्वती जी का स्थान है, ये बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी अपने भोलेनाथ अपने नंदी जी महाराज पर बैठे हैं और जो पार्वती माता है वो शेर पर बैठे हैं। तो ये है शिव तांडव गुफा। तो दोस्तों इधर से है शिवलिंग जो स्वयंभू शिवलिंग है। ये जो शिव तांडव गुफा में ये शिवलिंग है, ये भगवान भोलेनाथ, ये माता पार्वती जी और ये शेर का मुंह है जहाँ विराजमान है माता, और ये नंदी जी महाराज, ये नंदी जी महाराज का मुंह है, ये कान है और ये उनकी पीठ है। और ये ऐसे धसे हुए हैं अंदर। तो दोस्तों ये है शिव तांडव गुफा। तो दोस्तों दर्शन कीजिए और धन्य हो जाइए। बिल्कुल नेचुरल गुफा जहाँ पे भगवान भोलेनाथ विराजमान है। तो दोस्तों यहाँ पे है
नाग देवता जी का स्थान, वो बहुत अंदर तक है और ये बाबा बालकनाथ की जगह, तो ये स्थान है नाग देवता जी का। अब बाकी की स्टोरी पूछते हैं पंडित जी से, तो यहाँ का क्या रहस्य है। तो दोस्तों अभी आपने दर्शन किए शिव तांडव गुफा के, तो आपको भगवान भोलेनाथ के दर्शन करवाए, तो आप कमेंट में जरूर लिखना हर हर महादेव घर घर महादेव। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर दें, ये छोटा सा ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट में लिखना हर हर महादेव घर घर महादेव। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय दोस्तों। दर्शन देहो शंकर महादेव, दर्शन देहो शंकर महादेव, दर्शन देहो शंकर महादेव, दर्शन।